दोस्तों YouTube के ऊपर अपने बहुत सारा NFT के ऊपर वीडियो देख लिए होंगे जहाँ पे आपको NFT का बारे में कुछ भी बताने से पहले आपको OpenSea प्लेटफॉर्म के बारे में आपको बताया जाता है एंड आपको बताया जाता है कि आप कहीं से भी आपका NFT को बना लो, उसके बाद आप OpenSea प्लेटफॉर्म पे आके आप सेल कर दो। इससे आपका इथेरियम में आपका अर्निंग होगा जो बहुत ही हाई अमाउंट का अर्निंग होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको कोई हाई अमाउंट का अर्निंग के बारे में इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ, ना कि बताने वाला हूँ OpenSea प्लेटफॉर्म के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको एक नया वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जहाँ पे बहुत सारा लोग यहाँ पे काम करके बहुत ही अच्छा खासा छोटा छोटा NFT सेल करके लगभग यहाँ पे $50 to $100 का अर्निंग तो डेली का बेसिस पे करते ही है। एंड दोस्तों अगर आप भी इस प्लेटफॉर्म पे आके आपका NFT को सेल करने लगोगे तो आपका जो अर्निंग होगा वो अर्निंग भी थोड़ा सा धीरे धीरे हाई होता जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में आपको सारा कुछ लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ एंड आप स्क्रीन पर जैसे कि ये NFT आप चेक कर सकते हैं, इस तरीके का NFT आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हो वो भी इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा एंड NFT किस तरह से आप सेल कर पाएंगे वो भी इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। एंड दोस्तों आज का हमारा जो वेबसाइट होगा, वेबसाइट में आपको कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलता है। जैसे कि अगर आप OpenSea प्लेटफॉर्म के बारे में देखें तो वहाँ पे आपका इथेरियम एंड पॉलीगन में आपका जो है कि वहाँ पे सेल होता है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में आपको ऐसा एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ जहाँ पे आप USDT में आपका NFT को जो कि सेल कर सकती है, BNB में सेल कर सकती है, अगर आप चाहती है तो इथेरियम में भी आप आपका NFT को सेल कर सकती है। दोस्तों आज का जो प्लेटफॉर्म होगा ये प्लेटफॉर्म बेस्ट एक प्लेटफॉर्म होने वाला है आप सभी के लिए एंड इसका बेसिस पे आप डेली का बेसिस पे बहुत ही अच्छा खासा अर्निंग भी जनरेट कर पाएंगे। तो वीडियो को एंड तक आप मेरे साथ बने रहो एंड अगर आप चैनल पे नहीं हो तो इस चैनल पे आपको क्रिप्टोकरेंसी अर्निंग टिप्स एंड ट्रिक्स एंड शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो आपको रेगुलरली मिलते रहते हैं। जोर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी और प्रेस कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, वहाँ पर भी जाकर जोर से ज्वाइन हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों ये जो वेबसाइट है, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वेबसाइट पे आने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा जहाँ पे आपको रिकमेंडेशन, ट्रेंडिंग एंड उसके नीचे आपको इस तरीके का बहुत सारा आपको NFT आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो NFT है ये NFT जो है कि इथेरियम में सेल हो रहा है, उसके बाद दोस्तों ये जो NFT है ये NFT USDT में सेल हो रहा है, BNB का USDT। तो दोस्तों अभी आपको ये सारा कुछ NFT में क्रिएट करके दिखाऊंगा एंड अभी किस तरह से इजिली NFT को यहाँ पे सेल कर सकते हैं वो भी इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको इस तरीके का बहुत सारा आपको NFT देखने के लिए मिल रहा है। ये जो प्रिंस ब्लॉक उल्फ का ये जो आर्ट है, इस आर्ट को किसने खरीदा, किसने बेचा, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप जैसे कि देख सकते हैं ये जो प्रिंसेस ब्लैक उल्फ का ये जो NFT है ये NFT सेल हो रहा है 74.98 USDT में, मतलब कि ये लगभग 75 USDT में सेल हो रहा है। दोस्तों अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको नीचे की तरफ यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि इसको किसने पहले मिंट किया था, किसने इसको परचेस किया, कितना डॉलर में परचेस किया। तो दोस्तों आप जैसे कि देख सकते हैं कि पहली बार इन्होंने मिंट किया था, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे परचेस किया है यहाँ पे मी ट्रेवर्स NFT ने, उसके बाद दोस्तों इन्होंने परचेस किया था 50 USDT में बाई करने के बाद वो अभी सेल कर रहे हैं 74.98 USDT में। तो दोस्तों मैं अभी आ चुका हूँ USDT to INR USDT में $49 का मतलब होता है यहाँ पे 3,742 रुपीज़। तो दोस्तों कैलकुलेटर में मैं अभी इसको पुट करने वाला हूँ एंड दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा कि एक NFT सेल करके आपको डेली का बेसिस पे मिनिमम कितना रुपीज़ का प्रॉफिट हो सकता है। तो इसको पुट करने के बाद इसको करता हूँ माइनस एंड अभी चलते हो यहाँ पे एंड दोस्तों ये सेल हो रहा था 74.98, मतलब कि लगभग यहाँ पे 75, तो मैं यहाँ पे 74 ही अगर मान के चलूँ तो दोस्तों वो होगा 5,652 रुपीज़। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसका वैल्यू कितना होता है, तो इसको करता हूँ इक्वल टू एंड दोस्तों अभी आप जैसे कि देख सकते हो 1,910 रुपीज़ का सिर्फ और सिर्फ एक NFT सेल करके उनका प्रॉफिट हुआ है। तो इस तरीके का प्रॉफिट आप भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो NFT है, इस NFT को बनाने के लिए आपको जो वेबसाइट होगा, वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको वेबसाइट में आने के बाद आपको सबसे पहले NFT आपको क्रिएट किस तरह से करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आपको NFT क्रिएट करने के लिए सबसे पहले इस वेबसाइट में आने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आपको मिलेगा क्रिएट लोगो का ऑप्शन, तो आपको लोगो का ऑप्शन पे आपको करने ही प्रेस एंड दोस्तों उसके बाद लेफ्ट साइड में आपको करना होगा अपलोड आप जिसका NFT क्रिएट करना चाहते हो। तो सबसे पहले आपको गूगल पे आने के बाद जैसे कि मैं इसका NFT क्रिएट करना चाहता हूँ तो इस इमेज को कर लूंगा मैं डाउनलोड एंड इसको डाउनलोड करने के बाद आपको उस वेबसाइट में जाने के बाद आपको अपलोड करना होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो फोटो है ये फोटो मेरा अभी डाउनलोड हो चुका है। तो अभी चलता हूँ मैं उस वेबसाइट पे, उस वेबसाइट में आने के बाद आपको राइट साइड में आपको यहाँ पे जो देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे अपलोड मीडिया का ऑप्शन, अपलोड मीडिया पे जाने के बाद उस इमेज को अपलोड करने के बाद आपको स्क्रीन पे लेके चला आना है एंड स्क्रीन पे लेके आने के बाद आपको इसको थोड़ा सा साइज आपको मैनेज कर लेना है। साइज को मैनेजमेंट करने के बाद आपको यहाँ पे बैकग्राउंड का जो कलर है उसको चेंज करने के लिए ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे मिलता है बैकग्राउंड चेंजिंग का ऑप्शन, तो आपका हिसाब से आप यहाँ पे इसका कलर चूज कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे करना होगा उसको सेव।
अभी दोस्तों हमारा जो इमेज है इमेज बनके रेडी हो गए। अभी हमें इसको करना होगा डेकोरेट। तो डेकोरेट करने के लिए आपको यहाँ पे एलिमेंट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आने के बाद अगर पे पे बोस से सर्च करोगे तो आपको बहुत सारा आपको डेकोरेट करने के लिए आपको चीज़ें देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों मैं आपको जस्ट यहाँ पे दिखाने के लिए मैं यहाँ पे रैंडमली कुछ भी यहाँ पे मैं इसको डेकोरेट कर देता हूँ। आप आपका हिसाब से इसको डेकोरेट कीजिएगा अच्छे से, क्योंकि आप सभी को पता है कि जितना ज़्यादा अच्छा कुछ चीज़ दिखता है उतना चीज़ वो जो है कि बिकता भी है। तो दोस्तों आपको इसको जो है धीरे धीरे करके आपको बहुत सारा अच्छा तरीके से इसको आप जो है कि डेकोरेट कर लेना है। अभी दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे लगभग इसको डेकोरेट कर चुका हूँ धीरे धीरे करके थोड़ा सा। एंड दोस्तों इसको थोड़ा सा डेकोरेट करने के बाद ऊपर की तरफ आपको एडिट इमेज का ऑप्शन मिलता है। उसके आने के बाद दोस्तों आपको पे मिलेगा यहाँ पे पिक्सेलेट का ऑप्शन। दोस्तों अगर आप यहाँ पे पिक्सेलेट को अगर आपका इस इमेज पर ऐड करोगे तो दोस्तों ये जो फोटो होगा ये फोटो थोड़ा सा ब्लरी टाइप का आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि देखा था आपने एनएफटी पे को वहाँ पे एक इमेज था जो थोड़ा सा ब्लरी टाइप का था। तो दोस्तों आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे आपको इस तरीके का आपको बहुत सारा आपको एनएफटी का आपको यहाँ पे जो कि ब्लरीनेस आपको देखने को मिलता है। आपको जो पसंद थे उसको ही आप एफजी की ऐड कर सकते हैं। जस्ट दोस्तों आप कोई भी पिक्सेलेट को चूज करने के बाद नीचे की तरफ अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा। अप्लाई करते ही वो जो है कि आपका इमेज में अप्लाई हो जाएगा। एंड दोस्तों थोड़ा सा आपको वेट करने के बाद ये जो है कि ऑटोमेटिकली आपका सेव हो जाएगा। एंड दोस्तों प्रीवियसली आपने जैसे भी यहाँ पे कुछ भी आपने ऐड किया था जैसे कि ये दोनों चीज में ऐड किया था दोस्तों वो दोनों चीज फिर से यहाँ पे आ जाएगा। अभी दोस्तों आपका इस एनएफटी पे अगर आप कैप ऐड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। इसके लिए आपको कैप सर्च करने के बाद आपका भी कैप का बहुत सारा आपको पीएनजी इमेज देखने के लिए मिलेगा, जिसको ऐड करने के बाद आप जस्ट इसको छोड़ दो एंड दोस्तों ये ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके का जो हमारा एनएफटी था वो तो हमारा अभी बन चुका है। उसको आपको डाउनलोड करने के बाद अभी आपको किस तरह से आपको इसको जो कि सेल करने वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले जो वेबसाइट होगा वेबसाइट का लिंक आपको फर्स्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा। उस वेबसाइट में आने के बाद आपको जो कि कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। एंड दोस्तों इस तरीके का इंटरफेस में जाने से पहले आपको ऊपर की तरफ दो आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलता है जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों आप जैसे कि देख सकते हो ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे दो ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता है, वही कि दोस्तों यहाँ पे रजिस्टर का एंड लॉगिन का। दोस्तों आपको सबसे पहले पे रजिस्टर का ऑप्शन पे आपको कर देना होगा प्रेस। एंड दोस्तों रजिस्टर का ऑप्शन पे प्रेस करने के बाद आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन आएगा, आपको उसको कन्फर्म कर देना है आपका कंट्री चूज करने के बाद। उसके बाद दोस्तों आपको अभी जो कि क्रिएट अकाउंट करना है तो क्रिएट पर्सनल अकाउंट का ऑप्शन पे आपको कर देना होगा प्रेस। अभी दोस्तों आपको अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको एंटर अकाउंट डिटेल्स आपको ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आपको ईमेल वेरिफिकेशन करना होगा। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर होगा उसको एक बार वेरिफिकेशन करना होगा। उसके बाद 100% सक्सेसफुली बिल्कुल फ्री में आपका जो अकाउंट होगा वो भी क्रिएट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप पे लाइव देखना चाहते हो कि हम किस तरह से इस अकाउंट पर हमारे एनएफटी को सेल करें तो इसके लिए आप मेरे को कमेंट कर सकती है। इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो में तो फिर आप सभी के लिए मैं बना दूंगा। सो आई होप गाइस कि आज के वीडियो आपको पसंद है। अगर आज के वीडियो आपको जरूर से पसंद है तो वीडियो को जरूर से एक लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा।